एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच संदेश खाली पर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं इसी बीच टीएमसी नेता के राम मंदिर पर दिए एक बयान के बाद दोनों पार्टियां आमने सामने हो गई हैं। टीएमसी के विधायक रामेंदु सिन्हा रॉय का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में वो एक रैली में राम मंदिर को अपवित्र स्थान बताते दिखाए गए हैं। वीडियो में सिन्हा कहते हैं कि किसी भी हिंदू को अयोध्या में राम मंदिर में पूजा करने नहीं जाना चाहिए, ये एक अपवित्र जगह है, यहाँ सब कुछ दिखावटी है। मोदी ब्राह्मण नहीं है तो कैसे उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की है? মুসলিম ব্যক্তিরা আছেন, আমার চাচাকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনাদের মসজিদে নামাজ পড়ান কে ইমাম সাহেব? তো রাম মন্দির তৈরি হলো, নরেন্দ্র মোদী গিয়ে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তার পূজো অর্চনা করলো, তা আমি প্রশ্ন করছি, নরেন্দ্র মোদী কোথাকার ব্রাহ্মণ বলতে পারবেন? পৈতিটা কে দিয়েছিল, কবে পৈতে হয়েছিল বলতে পারবেন? তাহলে দেখুন হিন্দু ধর্মকে কত নোংরা জায়গায় নিয়ে গেল। ঠিক তেমনি ওই যে রাম মন্দির তৈরি হয়েছে, আমি মনে করি অপবিত্র এই রাম মন্দিরেতে ভারতবর্ষের কোন হিন্দু যেন পূজা দিতে না যায়, ওটা একটা সফিস তৈরি হয়েছে, ওটা শুধু একটা সফিস তৈরি হয়েছে। वीडियो सामने आने के बाद टीएमसी नेता रॉय बैकफुट पर हैं। उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि उन्होंने सिर्फ शंकराचार्यों द्वारा उठाई आपत्तियों का जिक्र किया था, मंदिर पूरा बने बगैर उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। इनकम्प्लीट मंदिर में कोई पूजा पाठ नहीं हुआ, ये सच नहीं, ये गलत है। सच होता तो 22 जनवरी में जो रामलला पूजा पाठ हुआ वही गलत है, और जो शंकराचार्य जी बोला था वही गलत है। तो 22 तारीख में जो पूजा पाठ हुआ वो सच है। दरअसल चंद घंटों बाद ही टीएमसी नेता का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये टीएमसी नेताओं की भाषा है, उन्होंने भगवान राम के प्रति टीएमसी नेतृत्व के सम्मान का स्तर उजागर किया है। अधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो सिन्हा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे। इसके बाद बीजेपी के विधायक विमान घोष ने रामेंदु के खिलाफ पुलिस स्टेशन में तहरीर दी है। टीएमसी के विधायक है रामेंदु सिंह राय, वो तो कमाल की बात किए हैं। एक विधायक का हमको नोटिस नहीं लेना था, लेकिन क्या कहा है? मंदिर में तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण करते हैं, इमाम करते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने कैसे कर दिया प्राण प्रतिष्ठा? यह कौन सी सोच है जिस सनातन में माता सबरी को स्थान मिलता है, जिस सनातन में निषाद राजा को सम्मान मिलता है, जिस सनातन में संत रविदास को एक बड़ा संत कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ब्राह्मण नहीं है तो कुछ जाने का अधिकार नहीं है? ये बहुत ही कुत्सित सोच है। ममता जी आप खामोश क्यों हैं? बयान के तूल पकड़ने के बाद रॉय ने कहा कि उनके बयान के सिर्फ एक हिस्से को पेश किया गया है, पूरा बयान नहीं दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी एक लोभी और पागल व्यक्ति है, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। शुभेंदु अधिकारी एक लोभी पॉलिटिकल मैन, मेरा भाषण काट किए ट्वीट करना चाहिए, धर्मियों सुश्री देना पड़ेगा। वो जो समर्थक है वो लोग कोई असली भाषण नहीं सुना था। बहरहाल संदेश खाली मामले के कारण पहले ही पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमाई हुई थी।
रामेंदु राय के इस बयान से राज्य में ध्रुवीकरण का एक नया खेल शुरू हो गया है। चुनाव आज तक।